इस वीडियो के प्रायोजक हैं सक्षम आयुर्वेदिक औषधालय। यहाँ दमा, नजला, खांसी, जुखाम का आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज किया जाता है। नमस्कार, हरिभूमि के खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई की। इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 2005 में कांग्रेस आलाकमान ने भजनलाल को दरकिनार करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। यहीं से कुलदीप बिश्नोई चर्चा में आए। वो खासे नाराज थे। हालांकि चर्चा यह भी है कि कांग्रेस आलाकमान भजनलाल को केंद्र में मंत्री बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं माने। बाद में उनके दूसरे बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई व भजनलाल की नाराजगी जस की तस रही। नतीजा यह निकला कि 2008 में भजनलाल ने कुलदीप बिश्नोई के साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई और कांग्रेस से अलग हो गए। उम्मीद थी कि हरियाणा में बड़ा करिश्मा करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाद में यह हुआ कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े। कुलदीप बिश्नोई लोकसभा का चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में उन्हें महज 5 विधायक मिले, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा से फिर गठबंधन किया। 2014 आते आते कुलदीप बिश्नोई इसी बात पर अड़े रहे कि आधी आधी सीटों पर भाजपा व हाजका चुनाव लड़ेंगी और मुख्यमंत्री का फेस कुलदीप बिश्नोई होंगे, जो भाजपा को गवारा नहीं था। चर्चा यह है कि इसी बात पर ही गठबंधन टूट गया। भाजपा अलग चुनाव लड़ी और कुलदीप बिश्नोई अलग चुनाव लड़े। भाजपा सत्ता में आ गई। जब कुलदीप बिश्नोई ने चौतरफा देखा बात नहीं बन रही, तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ ही समय पहले उन्होंने कांग्रेस को अलविदा करके भाजपा ज्वाइन कर ली। उम्मीद ये थी कि भाजपा में आने के बाद उनका एक बड़ा रुतबा होगा। शुरुआत ऐसी हुई भी। उनके बेटे को आदमपुर से विधानसभा का टिकट दिया गया। भव्य बिश्नोई विधायक बन गए। अब चर्चाएं यह थी कि कुलदीप बिश्नोई को हिसार से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी, लेकिन भाजपा ने कुलदीप के स्थान पर चौधरी देवीलाल के पुत्र रणजीत चौटाला को टिकट दे दिया। अब चर्चाएं यह हैं कि कुलदीप नाराज हैं। हालांकि उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मायूस न हो, अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन एक चर्चा उस ट्वीट की भी है कि भव्य बिश्नोई ने जब यह कह दिया कि लोकप्रियता नुकसानदायक हो जाती है, लेकिन बाद में उस ट्वीट को हटा दिया गया। कुलदीप बिश्नोई क्यों नाराज हैं या नहीं नाराज हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुकरा, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी व राजेश्वर बैनीवाल। बैनीवाल जी। हाँ शर्मा जी, नमस्कार। हाँ अब भाई ठीक है। बैनीवाल जी, मैं सीधे आपसे ही जानना चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई को टिकट न मिलने पर उनके कार्यकर्ताओं की हालत कैसी है? क्या कुछ बोल रहे हैं? एक बार भव्य बिश्नोई का कुलदीप बिश्नोई को क्या कुलदीप बिश्नोई को टिकट ना मिलने पर पहले भव्य बिश्नोई का ट्वीट आया था, उसके बाद ट्वीट को हटा दिया गया। फिर कुलदीप बिश्नोई ने वीडियो जारी करके समर्थकों से अपील की है भाजपा कार्यकर्ताओं को जो टिकट मिली है उनकी मदद की जाए। हालांकि उनमें टिकट ना मिलने से निराशा है जी। निराशा है, और केवल कुलदीप को ही नहीं, यहाँ से जो वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी और कुलदीप बिश्नोई जी टिकट के मजबूत दावेदार माने जाते थे, तो पूरे संगठन में भी उत्साह जैसा कोई माहौल नहीं है जी। नहीं तो कुछ बोल रहे हैं कुलदीप के समर्थकों ने कोई बात की है या कुछ कह रहे हैं या नहीं? अभी फिलहाल वो खामोश है और अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। जी 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 सर्वेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई भारी भरकम नेता थे। 2005 में पिता को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे, फिर 2014 में तो वो खुद उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे भाजपा से, इसी बात को लेकर 2014 में वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जी। लेकिन इसी बात को लेकर के उनको भी भाजपा से गठबंधन के दौरान वो चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया जाए, इसी बात पर गठबंधन टूट गया था। आज हालात ये है कि उनको टिकट ही नहीं मिल पाया, तो क्या हुआ, ऐसी क्यों स्थिति पैदा हुई? देखिए पंडित जी, बीजेपी की एक रवायत कही या इसको कवायद कही ये रही है कि वो ज्यादा मजबूत जो नेता बाहर से आते हैं या उनकी पार्टी में भी कई बार होते हैं, और जब नेता जो लीड कर रहा होता है उसके पक्ष के है, उसके उसकी लोबी के नहीं होते हैं, तो उनको खत्म करने की कोशिश करती है। आप बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो कुलदीप बिश्नोई इसमें नो डाउट कद्दावर नेता है, कद्दावर नेता थे, उनके पास में बहुत बड़ा टैग है, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के वो बेटे हैं, खुद भी सांसद रहे, विधायक रहे, तमाम चीजें, आदमपुर से कभी उनका परिवार हारा नहीं।
और मुझे लगता है कि उनको कुचलने की दबाने की कोशिश है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी, आपके पास में दो बड़े नेता हिसार में थे, कुलदीप बिश्नोई भी थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रूट से जुड़े हुए हैं। आपने दोनों को दरकिनार कर दिया और एक बाहर से आदमी को 10 मिनट पहले आपने शामिल कराया बीजेपी में सिरसा में, और उसको हिसार से उतार दिया। और अब दिक्कतें आ रही हैं, ना तो बीजेपी के लोग खुश हैं और कांग्रेस बहुत खुश है। कांग्रेस को लगता है कि कमजोर आदमी आ गया, आप उनको टक्कर दे सकते हैं। तो ये कई बार सुसाइडल कदम होते हैं, जो मुझे लगता है कई बार नेता जो हैं अब सिर्फ अपनी चलाने के चक्कर में, अपनी जिद के चक्कर में हिट विकेट हो जाते हैं। तो ये जो खट्टर साहब का जो एक ये कदम था, इसको कोई राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा नहीं माना जा रहा है। हालांकि अब वो डिस्क्राइब तो वो ज्यादा कर सकते हैं उनकी क्या मंशा सोच रही होगी इसके पीछे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को नो डाउट कम आंका गया, कम करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। और एक बड़ा नाम है, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है हिसार जिले में, और जबरदस्त नाराजगी है। दूसरी बात एक और मैं बता दूं महेंद्र जी, अब हो सकता है कि बीजेपी इस डेंट को रोकने के लिए, क्योंकि देखिए आप मानिए कि ये सीट अगर बीजेपी हारती है तो ठीक रहा सीधा सीधा खट्टर साहब के सिर फूटेगा, क्योंकि वो उन्होंने नाम पेश किया रणजीत चौटाला का। अब वो अपनी चीजें बचाने के लिए, करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ महीने के लिए भव्य बिश्नोई को मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि रणजीत चौटाला मंत्री पद छोड़ेंगे ये तय है, चुनाव से नामांकन से ठीक पहले शायद वो छोड़ सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में क्योंकि समय बहुत कम है विधानसभा चुनाव का भी, लोकसभा के बाद में, तो हो सकता है कि ये लॉलीपॉप भव्य बिश्नोई को दे दें। लेकिन समाज इसके लिए भी, जो बिश्नोई समाज है वो प्रिपेयर है, उनको वो इस बात को समझता है कि वो सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए उनको मंत्री बनाएंगे। तो ये भीतरघात बीजेपी में हो सकती है जबरदस्त, जो बीजेपी के लोग हैं, बिश्नोई के जो लोग हैं, वो खुश नहीं है कट्टर साहब के इस फैसले से। मल्होत्रा जी, अगर मैं जी आपसे जानना चाहूं कि कुलदीप बिश्नोई को जो महत्वाकांक्षा है वो ले बैठी, वो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, बाद में उनके विधायक भी भाग गए, उसके बाद वो फिर अपनी पार्टी में, फिर भाजपा से गठबंधन, फिर कांग्रेस में, फिर भाजपा में, तो क्या हुआ, क्या है ऐसा? एक्चुअली कुलदीप बिश्नोई जुलूस से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, और वो जब 2004-5 में उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो तभी से उनका जो है बहुत जल्दी में रहे, फटाफट वो फैसले बदलते रहे अपने। तो इतनी जल्दी फैसले बदलने से भी कई बार राजनीति में बहुत दिक्कत आती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वही जो हिसार विधानसभा आपकी लोकसभा है, ये जाट बहुल्य लोकसभा है, और यहाँ पर मतलब ये नहीं कि भी जाट 3-4 लाख हो, जाट वोटर 6 से 7 लाख के आसपास है। यहाँ तो किसी मजबूत जाट को उतारा जाना चाहिए था, जैसे चर्चा आ रही थी पहले अभिमन्यु जी की, तो वो एक मजबूत नेता थे, और नारनौंद के वो खांडा खेड़ी और नारनौंद साथ साथ हैं, तो उस इलाके के रहने वाले हैं वो। तो उस पहली गलती तो भारतीय जनता पार्टी ने ये करी कि जाट भी उतारा, तो वो ऐसा उतारा कि जो देखो उम्र के पड़ाव के हिसाब से चौधरी रणजीत सिंह पे उम्र तो हावी है इस समय। दूसरा ये है कि चौधरी रणजीत सिंह को लेने का जो पार्टी का मकसद रहा है, वो देखो चौधरी देवीलाल परिवार को भी लेना चाहते थे, भी जोड़ना चाहती थी भाजपा कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले दिनों दुष्यंत का हटना पार्टी से, वीरेंद्र सिंह जी का हटना, तो ये पूरा राजस्थान के अंदर भी ये मैसेज आ रहा था कि जाट वोट कहीं ना कहीं नाराज है भाजपा से, क्योंकि जिस प्रकार से वसुंधरा को ना बनाया जाना, उसमें राजपूत और जाट का दोनों का समावेश था वसुंधरा में, हरियाणा में भी। तभी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी एक बड़े ब्रांड के साथ जो जो देवीलाल का परिवार है उसमें से किसी को लिया जाए। तो अब उन्होंने जो देवीलाल के परिवार में से ले लिया, उन्होंने रणजीत सिंह को बना दिया, चाहे मजबूत है या नहीं है। अब आ जाती है बात कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई जो अपने पीक पे थे जिस समय 2004-5 में, उसके बाद भी वो 9 और 14 में चुनावों में लगातार हारते रहे हो, तो कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने नहीं लिया, परंतु कुलदीप बिश्नोई का भी एक वोट बैंक है। चाहे आप इधर चले जाओ राजस्थान में चले जाओ, फिर चाहे आप हरियाणा के ये खासतौर पे हिसार पार्लियामेंट में आ जाओ, उनका वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो नाराज भी होगा जरूर, क्योंकि तो उनको उम्मीद थी कि हिसार से कम दुष्यंत के हटने के बाद, विजेंद्र सिंह के हटने के बाद किसी गैर जाट को उतारेंगे तो हमारी लॉटरी खुलेगी, तो उनको नहीं किया। तो वो अब ये हो सकता है आता आपकी ठीक है कि ये भी प्रेशर टैक्टिक्स है भाई, कहीं ना कहीं ये चीज नहीं हाथ में आई तो बेटे को भव्य को हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। तो
तो वो अब एक रणजीत सिंह के कारण जो सीट खाली हुई है उसकी बिल्कुल भरपाई के लिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है भाई किसी प्रकार से भव्या को पार्टी में मंत्री बना दे ताकि उनका काम चल जाए, इसलिए वो इनडायरेक्ट नाराजगी दिखा रहे हैं। बाकी ये बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ेगा, परंतु तो हिसार बेसिकली डिजर्व कैंडिडेट करता है। रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूं, जो कुलदीप पिश्नोई ने आज वीडियो जारी किया है, उन्होंने उसमें यह भी किया है कि मायूसी है लेकिन मायूस नहीं होना है, अभी बहुत समय पड़ा है, तो इसके क्या मायने हैं? आपको क्या लगता है कि क्या है ये, बहुत समय पड़ा है? पंडित जी, जैसा आप अतीत में अभी थोड़ी देर पहले गए थे, दो हजार पांच में चुनाव हुए, भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव हुए, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए, वहीं से वो एक बड़ा सेटबैक भजनलाल परिवार को मिला था। भजनलाल परिवार आता तो आदमपुर हिसार से है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भजनलाल की करनाल से लेके फरीदाबाद तक एक मजबूत पकड़ थी। कांग्रेस के कद्दावर धुरंधर नेता भजनलाल की विरासत, बेशक उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बने, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत हाथ आई कुलदीप बिश्नोई की। और कुलदीप बिश्नोई ने तमाम पैतरे राजनीति में इस्तेमाल किए, उनकी अति महत्वाकांक्षा, जैसे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, इन्हीं नेताओं की कतार में कुलदीप बिश्नोई भी शामिल रहे हैं। उनका भी एकमात्र ध्येय हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना रहा है, लेकिन कभी भाजपा से गठबंधन करके उन्होंने 2008 में हजकां बनाई, हरियाणा जनहित कांग्रेस, उन्होंने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, फिर गठबंधन टूटा उनका, फिर उन्होंने वापस कांग्रेस में शामिल होकर एक नई पारी खेली। लेकिन जिस तरह का प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस में इस्तेमाल होता था, कुलदीप बिश्नोई या और किसी कांग्रेस नेता की बात करें, वो कितना ही बड़ा नाम रहा हो, वो जिस तरह का दबाव कांग्रेस में रहते हुए बना पाते थे, वो स्थिति भाजपा में नहीं है। भाजपा दबाव की राजनीति सहज रूप से सहन नहीं करती। एक समय साइलेंट बेशक हो जाए, लेकिन फिर उनको ठिकाने लगाना आता है। राजस्थान में कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल हुआ, हरियाणा में आप देखें कुलदीप के प्रभाव का भाजपा ने एक समय इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब ये लगा कि नहीं, कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ और नेताओं को ठिकाने लगाना था, तो मनोहर लाल खट्टर, जिनको शुरुआत में कहा जाता था संत आत्मा सज्जन पुरुष, वो एक घाघ राजनेता के तौर पर मैं मानता हूं कि वो बीते 10 साल में डेवलप हुए हैं, और उन्होंने एक एक तुरुप का इक्का चला, उन्होंने कई धुरंधरों को घर में कैद करते हुए और दूसरे घर से वो रणजीत चौटाला को लेके आए और उनको टिकट दे दी। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती खुद खट्टर साहब के लिए भी है कि रणजीत चौटाला को हिसार के किले से किला फतह करवा सकें, लेकिन फिलहाल ये राह आसान नहीं लगती, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी सहज जाती नहीं दिख रही है। और भाजपा का जो काडर बेस है, अब अकेले अकेले रणजीत चौटाला नहीं, आप अगर देखें पंडित जी की छह उम्मीदवार अगर देखें, तो उनका जो नेटिव प्लेस है, पैतृक जो जगह है, वो हाँ, कांग्रेस है। कांग्रेस जी। तो भाजपा का जो जो मूल कार्यकर्ता है ना, वो अपने को दरी बिछाने से ऊपर महसूस ही नहीं करता। जब उसे लगता है कि उसे टिकट मिलेगी या उसे स्थान मिलेगा, तब उसके साथ छल होता है। दो लोगों को ठीक ठीक 10 मिनट पहले पार्टी में शामिल करवाया जाता है और लोकसभा की टिकट दे दी जाती है। इससे मायूसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी आपे को खोने से रोकने के लिए कुलदीप बिश्नोई को वीडियो जारी करना पड़ा कि जो मायूसी है, जो भी आपा ना खोए, जिस तरीके से इंटरनेट मीडिया पर तुरंत भव्य ने अपनी अपने एक्सप्रेशन डाले, वैसे ही उनके और समर्थक उस पर बढ़ चढ़कर उससे आगे ना जाएं, उसको रोकने के लिए पहले तो ट्वीट डिलीट करवाया गया और फिर वो वीडियो जारी किया गया कि भी कोई बात नहीं, ध्यावस रखो, धीरज रखो। जी। सर्वेश, मैं आपसे चर्चा करूं, आज सुबह से एक बहुत तेज चर्चा है कि हिसार से कांग्रेस पार्टी चंद्रमोहन पर दाव खेल सकती है, तो आपको लगता है कि इन चर्चाओं में दम है कुछ? नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसी जो बीजेपी ने टिकट जारी की है तो सीधे सीधे कुलदीप बिश्नोई लाइमलाइट में आए। भव्या बिश्नोई ने ट्वीट किया, वो बेशक डिलीट किया, फिर कुलदीप बिश्नोई ने भी कुछ कहा, क्योंकि हालांकि उन्होंने सरजी तौर पे तो नहीं कहा था कि मुझे टिकट दो, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी भी अगर कुलदीप बिश्नोई मजबूत बनते थे उनको टिकट उनकी कट गई। तो कुल मिला के बिश्नोई जो वोटर है आदमपुर में तो कम से कम बहुत बड़ी संख्या में रहता है। और उसके बाद में फिर एक नाम आया कि भाई सिंपैथी गेन हो सकती है कांग्रेस को चंद्रमोहन से। शैलजा कोटे से आते हैं, शैलजा ट्राई भी कर रही है कि भाई उनको टिकट मिल जाए। तो अभी दो चीजें हो रही हैं,
जैसे INLT ने कहा कि सुनैना चौटाला यहाँ से आएगी तो वो जाट कैंडिडेट हैं, जैसे रणजीत चौटाला उसी परिवार से आते हैं, जाट कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है कि भी किसी गैर जाट को यहाँ से उतार दिया जाए, तो उसमें चंद्रमोहन भी हो सकते हैं और चंद्र प्रकाश भी हो सकते हैं। चंद्र प्रकाश पूर्व IAS हैं, आपको मालूम है, रामजीलाल के भतीजे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और भजनलाल के साथी रहे हैं वो किसी जमाने में, तो उनके परिवार से ये चर्चाएं चल रही हैं। चंद्रमोहन का नाम उठा है और सिंपैथी के लिहाज से और जो गैर जाट वोटर्स हैं उनके बीच में वो लोकप्रिय हो सकते हैं, और दूसरी बात की जाट जो है बीजेपी को कम पसंद करते हैं इन दिनों, जो है आपने भी देखा है, तो ये कुल मिला के समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई उनका नाम चलो वो नहीं तो इधर से ले आए तो सिंपैथी वहां से जुड़ती है, तो उनके नाम की चर्चाएं हैं। लेकिन कांग्रेस कुल मिला के अभी जो है एक अच्छे मूड में है, उत्साह में है इस रणजीत सिंह चौटाला के आने के बाद में, उनको लगता है कि भाई बाहर का आदमी है, भारी है, हालांकि दुष्यंत चौटाला भी पहले भारी थे, वो यहाँ से आए जीते हैं, वो अलग इशू है, जयप्रकाश यहाँ से एक बार रह चुके हैं सांसद, अच्छा रणजीत चौटाला पहले हिसार से लड़ चुके हैं, जमानत उनकी जब्त हुई थी, जमानत जब्त हो गई किसी जमाने, हाँ किसी जमाने में लड़े थे, लेकिन अब वो दोबारा बीजेपी के बैनर पे आ रहे हैं तो कितना फायदा, लेकिन वो भी कह रहे थे कि तभी बीजेपी के कैडर को तो बड़ा दरकिनार हो रहा है, तो ये इस बार मायूसी है, इसमें सीधा सीधा मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है इस बार जो है ना, वो चीजें नहीं नजर आ रही है, तो कैडर का ध्यान नहीं रखा गया है, तो इसका खामियाजा उठा सकती है बीजेपी, उठाना पड़ सकता है। जी 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 धन्यवाद जी, अगर मैं सीधी आपसे बात करूं, इससे रणजीत सिंह को दरकिनार करके रणजीत सिंह को मैदान में उतारने से क्या ऐसा हो सकता है कि कुलदीप के जो समर्थक हैं उसके कारण रणजीत सिंह को नुकसान उठाना पड़े, आपको लगता है ऐसी संभावनाएं हैं? हो सकता है जी, निश्चित रूप से संभावना है जी, क्योंकि जब केडर की बात की जाए तो केडर भी नाराज है और टिकट का दावेदार कुलदीप बिश्नोई भी नाराज है, ऐसे में उनको संभावना है कि पूरा पूरा कुलदीप बिश्नोई तो बाहर से ही आए थे, वो कैडर के बीजेपी कैडर के नेता नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद टिकट ना मिला किस उम्मीद से, भाजपा में बहुत शोरगुल हुआ था। कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक है वो उम्मीद में थे टिकट मिलेगी और टिकट न मिलने से निराशा है, और हो सकता है कि वो वोट बैंक भाजपा को ना मिल पाए। जी 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 मल्होत्रा जी, आपको लगता है कि ऐसे हो सकती है कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थक, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई एक वीडियो भी जारी किया है, इसके बावजूद ऐसी संभावनाएं हैं? नहीं, अब देखो भारतीय जनता पार्टी में ये तो है, अनिल विज ने एक बार विरोध प्रकट किया था तो उनका पत्ता ही काट दिया उन्होंने, जी 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 तो ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में तो आने वाली पार्टी नहीं है इस आज की तारीख में। हाँ इतना जरूर है कि कुलदीप बिश्नोई का प्रेशर इस हद तक थोड़ा सा, वो भी इसलिए कि राजस्थान में खासतौर पर 6-7 सीटें जहां इफेक्ट कर रही है ना, बिश्नोई और जाट जहां इफेक्ट कर रहा है, पहली बार राजस्थान में आपका दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो और वहां बिश्नोई भी नाराज हो जाए तो उसको राजी करने के लिए भव्य को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु टिकट बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और रणजीत सिंह डिपो भी उन्होंने सिर्फ इसलिए दी है कि बड़ा घराने को जोड़ने के लिए, कोई देवीलाल का नाम है टैग लगा हुआ है तो देवीलाल के नाम से खासतौर पे सीकर झुंझुनू नागौर इन सीटों पे देवीलाल का असर रहा है, तो इन सीटों पे जैसे हनुमान बेनीवाल को खड़ा कर दिया कांग्रेस ने अलायंस में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर 5-6 सीटों को लेके बेचैनी है, तो इसीलिए उन्होंने खड़े पैर के पैर ये रंजीत को ले आए, रंजीत इनके दिमाग में था, परंतु ये नहीं कि मनोहर लाल जी की सिफारिश पे, रंजीत तो कॉन्फिडेंट थे पिछले 1 साल से, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री से मिलके आए थे, अमित शाह से मिलके आए थे, बट बड़े पर्सपेक्टिव ने पार्टी ने देखा है और उसको उन्होंने इसलिए उनको टिकट दिया है। हाँ इतना जरूर है कि रंजीत सिंह थोड़े कम रेलेवेंट है दूसरे जो कैडर का कोई आदमी उतरता है यहाँ से, और वो भी रविंदर, आपको नहीं लगता कि अगर चौधरी भजनलाल के परिवार से लाया गया तो, क्योंकि चौधरी सॉरी देवीलाल के परिवार से रणजीत सिंह को लाया गया तो भजनलाल भी कद्दावर नेता थे, सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, उनके बेटे को दरकिनार करके देवीलाल के बेटे को लाया गया जैसे मल्होत्रा जी बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये वही सच्चाई है? पंडित जी क्या है, मतलब देखो जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं वो ये जानते हैं कि रणजीत चौटाला स्वभाव से बहुत नरम है और वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं है जी। और जहां तक सवाल कुलदीप बिश्नोई का आता है, वो एक बड़े राजनीतिक योद्धा के तौर पर देखे जाते हैं, उन्होंने
पार्टी बनाना हंसी खेल नहीं है पंडित जी, यहाँ हरियाणा जैसे प्रांत में पार्टी बनाना, फिर उसको चलाना, फिर उसके बाद मतलब उनको लगा कि नहीं बात बन रही है तो तुरंत फिर वापस स्विच ओवर किया कांग्रेस को। तो कुलदीप बिश्नोई की महत्वाकांक्षाएं वहां से बार बार प्रकट हो रही थी, कभी केंद्र में मंत्री बनने की इच्छा, कभी राज्य में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा। तो जो जो एक कसक थी कुलदीप बिश्नोई में, भाजपा में आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में चुनाव प्रचार किया, उन्हें लगा कि उन्होंने पार्टी के लिए कुछ किया है और उन्हें उसका इनाम मिल सकता है। लेकिन यहाँ सब चीजें नाप तोल के होती हैं, यहाँ जो मीटर जिस हिसाब से बोलता है उसी हिसाब से रिएक्टर में जो है ना गर्मी बनती है। तो फिलहाल जो 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 राजनीतिक नेतृत्व है भाजपा का, उन्हें ये लगा कि चूंकि जाट वहां बहुत ज्यादा मतदाता है तो देवीलाल को एक बुनाने के लिए उन्होंने उनकी प्रतिमूर्ति को वहां स्थापित किया है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एक चौटाला परिवार से एक पुत्रवधु तो वहां ऑलरेडी इनेलो ने उतार दी है और दूसरी पुत्रवधु शायद जेजेपी की भी हो सकती है। जी। तो तीन चौटाला होने के बाद वैसे ही रणजीत चौटाला की जो राह है वो आसान नहीं रहेगी, उस पर से दुश्वारियां पैदा करने के लिए जो कार्यकर्ताओं का शोभ है वो भी एक अहम अहम भूमिका निभा सकता है। तो जी। बहुत बहुत ज्यादा इसको हम बेहतरीन निर्णय नहीं कह सकते। जी। यह तो साफ हो गया कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा के उम्मीदवार रणजीत चौटाला के साथ चलेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनके वीडियो से तो यही लगता है। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में कितने पावरफुल रहेंगे, उन्हें और क्या कुछ मिलने वाला है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।